करूंगा, साथियों मैं आपको परिचय करा दूं। पहले तो थोड़े से संतुष्टि सर, ठीक है, ये जो हम लोग आए हैं परिचय करा दूं। साहब का नाम राजकुमार सागर, सुभारती यूनिवर्सिटी के प्रबंधक है, मैनेजर। हमारे साथ नरेंद्र कुमार बोस जी है, गाजियाबाद से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को चलाते हैं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार गौतम है, मैं सम्मान आपके तत्वधान में गाँव का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को जानने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं वो खड़े होंगे, सबसे पहले जैविक बोलेंगे और जैविक बोलने के साथ साथ मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे। कोई पढ़ा लिखा है तो भी, नहीं है तो भी, कम पढ़ा लिखा तो भी, ठीक है। एक एक आएगा जैविन और अपना नाम, पिता का नाम, बाबा का नाम और एजुकेशन, करोगे अपना नाम नहीं, ठीक। ओके पढ़ो, आपसे शुरुआत हो जाएगी। मेरा नाम विकास कुमार है, पिछले साल मैंने एमबीए हासिल किए, मैं जो आप जरूर देखूंगा दोबारा कहना। मेरा नाम कुमार है, आपका नाम एजर, मेरा नाम सुंदर देखो, मैं आपको बताऊं, हंसा नहीं करते कभी, हमारे ऊपर थोड़ा मन हंस रहा है, ये ध्यान रखना। अभी मैं कुछ भी शुरुआत नहीं करी, रात को नींद नहीं आएगी आपको, ये भी कारण। कपड़ा लिखना कोई श्राप नहीं है, और अगर पढ़ रहे हो एमए बीए कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे हो, समाज के कुछ भी कर रहे हो, ये भी गारंटी ध्यान रखना। तो कभी भी किसी का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इससे मनोबल बढ़ता है हमारे, ठीक। आओ भैया, आओ बेटा, मैं नाम रोहित कुमार है और मैं बारहवीं में पढ़ रहा हूँ, मेरे नाम हम कुछ चीज जानने के लिए आपके पास आए हैं। इस गांव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती वगैरह मनाते हो आपको, कितने लोग हिस्सा लेते हैं आपको? सारे लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी सी आपकी ऐसी है, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। सतगुरु रविदास जी की जयंती भी बनती होगी पक्का, बहुत बहुत उठाओ हाथ उठो सभी, भगवान को सब कुछ मिली, आप लोगों से थोड़ी सी हम नॉलेज देना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पैदल तीन बार जय कर पूरे जोश के साथ, जय बताऊं। हम सब लोग आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं दर्शन पे, और हम पूज्य बाबा साहब के विचारधारा को जानने की क्या चीज है, सतगुरु रविदास जी की विचारधारा क्या, सब लोग बोलेंगे। तो आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, इंटर सब पर कितने बच्चे बस एक बार आ चुका हूं, बहुत बहुत साधुवाद आपको, आगे भी पढ़ाई जा रही है ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आप लोग लगभग 10-15 साल से बनती है नहीं, या उससे भी पहले से मनाते हो? बनती है, बहुत अच्छी बात। आप थोड़ा सा ऐसे है ना, हम ऐसे लगा रहे हैं जैसे अपने रिलेटिव मर जा रहा है ना कोई, तब कोई चमाटू बबा है साइड में पड़ता, तो वहां आ गया, ये परंपरा नहीं है हमारी, ये बच्चों को आ गई बाबा साहब
डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में दो चार सवाल रहेंगे साथ लोग। मैं आपको बताऊं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे एक 10 लाख रुपए का हर साल एक अवार्ड निकलता है, हर साल 10 लाख रुपए का, डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन दिल्ली जो बाबा साहब की संस्था थी, उसे आज तक एक भी चमार का चूड़े का बच्चा जीत कर नहीं लाया। एक टोटल उसे जीत करेंगे ब्राह्मण ठाकुर और बनी बताऊंगा। अगर दो चार सवाल आप लोगों से करे जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, शिक्षा के विषय में करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और ऐसा ही पूछेंगे कोई आयोजन आपको अपने पढ़ाई विषय में कुछ बोलना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मतिथि क्या है जो भी बताएगा वो हाँ बिल्कुल बताएगा, यहाँ बताएगा। देखो जिसको पता हो वो हाथ उठाए, दो तरीके को कोई भी ना बताए वहां कारण नहीं। आओ आओ 14 अप्रैल 1851 बहु नहीं बहु सावन दो आपकी धर्म बाबा साहब की एजुकेशन क्या आपकी बच्चे का मनोवर्षण आप भी रहते हो तो काम करते हो तो कब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने देश में पढ़ाई करी थी? ये खासकर सवाल उनको बोलता है जो इंटर शोर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने देश में पढ़ाई करी थी? अभी तो आप लोग सब कह रहे थे आपके हिसाब से जयंती मना। अगर आपके समाज के देश के अंदर कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उससे सवाल करने का अनपढ़ आदमी का हक बनता है, तब तो पढ़ाई का फायदा है। अदरवाइज आप समाज को देश को और गांव को और अपने घर को धोखा दे देगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो अपना इतिहास लिख नहीं सकता। एक बच्चे में जवाब बताया गया 14 अप्रैल को भी इसलिए बताया गया कि दिल्ली का जवाब हवा सकती है कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती हो रही है। जिसको संसार सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है उसकी जनरेशन को यही पता कि उसकी जन्मतिथि क्या है। सवाल का जवाब मैंने आपको बताया तो आराम से सोच के मुझे बताना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्हाट्सएप को नहीं चलाया जब तक है ना नेट चलाएगा। जो भी जवाब दे अपने दिमाग से। एक आध पुस्तक है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोई चर्चा हुई थी सोचा नहीं बाबा साहब की। अभी आपने यहाँ रखा भीम जागरण जी भीम जागरण 2-3 बार हो गया। उसमें टाइम ले लिया कैसा होगा ना कौन आके क्या कर इतने में काम है। ये भीम जागरण है, जागरण का मतलब ये नहीं है देवी के मठ पूज रहे हैं, जागरण का मतलब होता है कि नॉलेज कितनी है हमें, इन्होंने कहा क्या है हमारे लिए, साहू जी महाराज ने क्या करा, पाकिस्तान ने क्या करा, भीमा भाई ने क्या करा, अयोध्या भाई ने क्या करा, पैरल स्वामी ने क्या करा, कहा क्या है हमारे लिए जो इसकी फोटो लगा रहे। क्योंकि कबीर जी कहते हैं बेकार के लोग बेकार का समय बेकार बातों में नष्ट करते हैं, 2 घंटे हो गए हमें यहाँ बाहर बैठे हुए लेकिन कीमत नहीं है हमारी, इसीलिए देश हमारी कीमत नहीं मान रहा। 5% मुस्लिम है देश के अंदर पढ़े लिखे और 16% आबादी है, देश को अपने गट्टे में रखते हैं लाके, एक बार अलर्ट हुआ 2 मिनट में क्या कुछ भी करा कोई घर। और आप कह रहे बाबू जी आ जाओ
यदि आ जाओ आप हमारे बैठे 500 लोग काम करते हैं सुभाष यूनिवर्सिटी सुनी हो गई विश्वविद्यालय है तो इसलिए कभी भी जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं चलिया है जो महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने का कार्य कर रहा है जो नॉलेज के लिए उसके लिए इकट्ठा हो अपने साथ साथियों को लाओ ठीक है ना ये विशेष ध्यान रखना आगे से भी आपको तो एक बार बोलो जय भीम हमारे साथ मास्टर जी आए हैं जो अपनी बात रखेंगे सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध भगवान को नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करते हुए और आप सभी को नमन करते हुए देखिए मेरा नाम जुगल किशोर है और मैं गांव नंदड़ा से देखिए ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव में इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं इन समय अपने समाज की और समाज सुधारकों की जानकारी प्राप्त होती है इसे आगे देखिए मनुवादियों ने हमारे जो युग है उन्हें चार युग में बांटा है कौन कौन से एक तो सतयुग सतयुग में केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता था जो उसने कह दिया कोई सत्य है इसके बाद आया द्वापर युग द्वापर में दो गण पढ़ते थे एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण इसके बाद आया त्रेता युग में तीन ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये पढ़ने लगे इसके बाद है जो हमारा युग है वो है ब्राह्मण ने इन्होंने क्या नाम दे दिया उसको कलयुग क्योंकि हम सभी पढ़ने लगे हैं उनकी नीति को जानने लगे हैं इसलिए उन्होंने इसका नाम कलयुग दे दिया तो वो सतयुग अच्छा है या कलयुग अच्छा है सतयुग अच्छा था या कलयुग है कलयुग अच्छा है हमारे लिए क्योंकि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार केवल कलयुग में मिला उससे पहले भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो मेरे साथियों सभी से यही कहना चाहूंगा कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा और जो नहीं पढ़ेगा वैसे ही दलदल में धंसता चला जाएगा तो इन शब्दों के साथ जय भीम नवबुद्ध है मास्टर जी है हमारे युवक किशोर जी ये गांव वाला हमारे साथ देने का बता डॉक्टर अम्बेडकर को शक्ति हमारे आगे तो आप सब लोगों का भी एक फर्ज है कि यहाँ लाइब्रेरी वगैरह है तो बाबा साहब की बहन नहीं है अच्छा ये बताइए कि हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को मनाते हैं ये हमारे गर्व की बात है सर की बोलो गर्व की बात है ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक वो चीज है मैं आपको बता दूं शॉर्टकट में कि अगर हम इस देश के अंदर सांस ले रहे हैं तो वो केवल 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 बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया में दूसरा कोई शख्स नहीं चाहे किसी की भक्ति कर लो चाहे किसी की पूजा कर लो चाहे किसी की आराधना जन्म से लेकर अमेरिका की यूनिवर्सिटी कोलंबिया जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो कहती है कि सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आ जाओ मैं जी और हमारे उसे बंद मत करो उसको हमारे जो लोग हैं वो माथा धोने में लगे हुए आगे मनोवाद को अपने जूते की ठोकर से तोड़ने वाले संपूर्ण रविदास जी महाराज की कहते भी यहां मनाते हो उन्होंने कहा था कि जैसा खाओगे अन्न वैसे होगा मन जैसा पियोगे पानी और वैसे बोलोगे वाणी तो जैसा बोलो जय सतगुरु रविदास जी महाराज की सतगुरु रविदास जी महाराज की
सतगुरु रविदास जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे ये बताइए यहाँ जो सतगुरु रविदास जी की किताब भी पढ़ी है ना नहीं पढ़ी किसी ने? हमारे समाज के बहुत बड़ी विडंबना है कि एक तो हम जानते नहीं है दो जान किसी की बात पे एक हम जानते नहीं है दो जान किसी की बात पे। मांस कितने घरों में खाया जाता शराब का माल भी अमेरिका में ठीक ठाक है। अभी आपको पता दिल्ली के अंदर सतगुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया कितने लोग गए वहां 21 तारीख में 14 गए थे ना। बहुत बहुत साधुवाद आपका। लेकिन वो मंदिर उसकी पता उस मंदिर की 600 साल पुराना था। जब वो मंदिर खड़ा था जब 600 ईंट नहीं लगी रविदास जी होगा 600 साल में 600 ईंट नहीं लगा पाए और जब वो टूट गया जब जाकर वहां कपड़े फाड़ रहे ये जय सतगुरु रविदास जी महाराज हमारे ऊपर डेली देश के अंदर हिंदुवादी अटैक कर रहे हैं लोग डेली कर रहे हैं। अच्छा से कहता भी अंदर ही पड़ा दिल्ली में हम लोग हिंदू धर्म की व्यवस्था को छोड़ क्यों नहीं पा रहे? जरा हाथ ऐसा करना जरा थोड़े ऐसा करो सब लोग हाथ राइट हैंड कोई सा हाथ ऐसा खाली देना है जिसमें कांग्रेस नाम बंद रहेगा तुम्हारा होली दिवाली रामनवमी भैया दो हजार छोटे पचोटे गुड़गावे कोई सा छोटा तुमने कोई सा नहीं छोटा। अरे ओ दोस्त सुनो जो लोग प्रतिदिन हमारे समाज पे हमारे परिवार पे अटैक मार रहे हैं और हम उन्हीं के त्योहार मना रहे हैं तो भैया लड़की से रहा गाँव तब भी मंदिर बना रहे हो तो भी बना रहे मैंने फोटो खींचा तुम्हारे गाँव के मंदिर को उसमें क्या लिख रहा हूँ रविदास जी मने कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मने कर रहे हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले मने कर रहे हैं भगवान को तो बहुत बड़ी चीज है संसार की वो तो इतनी जल्दी आसान नहीं रहेगी आपके मन में साहू जी महाराज हम मान किसकी रहे संसार के अंदर। एक जवाब मैंने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने देश में पढ़ाई करी जो बताओ लेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार में कितने परिवार के सदस्य थे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने पिता की कौन सी संतान थे? चौदह खड़ा हूं चौधरी संतान। अच्छा क्या नाम था डेट कौन सी थी बाबा साहब की जन्म तिथि क्या है? 14 अप्रैल 1851। किताब पढ़िएगा बाबा साहब की तुम्हें कहता पता चला चौधरी संतान है। अच्छा वेरी गुड एक एक दे दो निकाल के दे दो जो जवाब देगा उसे मिलेगी ठीक है। आप सब लोगों के बीच में हमारे भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को गाजियाबाद में फैला रहे हैं। नरेंद्र कुमार जी आएंगे वो अपनी बात रखेंगे। नरेंद्र कुमार जोरदार तालियों के साथ स्वागत एक बार जोर से बोलो इनके लिए जय श्री जय नरेंद्र कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले महाकाय तथागत गौतम बुद्ध को नमन। हमारे मुख्य दादा परम पूज्य परम पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नमन। तमाम उन महापुरुषों को नमन जिन्होंने हमारे समाज को नई दिशा नई ऊंचाई दी। संत गुरु रविदास जी को भी मैं नमन करता हूं। बातें बहुत सारी हैं और हम 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे शोर में आना पड़ेगा अन्यथा क्योंकि अगले गांव में वहां बिहारी हो चुकी है। बातें इतनी सारी है इतनी गहरी है कि सारी बातें हम कम समय में कर नहीं सकते और आप समझ नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक डेट बता रहा हूं 2 मार्च 1930 याद रखना मैं इस डेट पे आऊंगा 2 मार्च
1930 बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। यह महत्वपूर्ण डेट इसलिए है क्योंकि इसी डेट से बहुत कुछ हमारा इतिहास जुड़ा हुआ। मैं सीधा पॉइंट पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि समय कम है, अन्यथा और भी थोड़ी सी दो चार बात होती। हम लोग अभी सबसे बड़ी जो समस्या बाबा साहब के पहले से और बाबा साहब के समय में और उनके बाद भी चलती आ रही है वो है जाति व्यवस्था। उससे जूझ रहे, आज भी जूझ रहे और प्राउड फील कर रहे हैं। बच्चे कहाँ रहे हैं? संत गुरु रविदास जी ने शब्द दिया था जाति नहीं, कोई बात नहीं है, बहुत है। उन्होंने भी कहा था और तमाम संतों ने कहा था कि मैं जो भी संत आया उन्होंने जाति विहीन समाज की स्थापना की बात की। मैं जो करूँ, संत गुरु रविदास जी ने शब्द दिया चमार जाति नहीं, चमार उन्होंने इसलिए कहा कि इस संसार में जो भी जीव जिसमें भी प्राण है वो चमड़ा, जैसे चमड़ा वैसे मांस ऐसे अस्थि वैसे रक्त यानी गुलाब गौतम बुद्ध जी। उन्होंने कहा कि संसार में जो भी जीवित है वो चमार है। क्लियर हो रहा? लेकिन हम इसे जाति मानते कैसे बात कर यहां अगला आपको करना जाति इसलिए मान रहे हैं क्योंकि संत गुरु रविदास जी ने पाखंडवाद को मनोवाद को पूरी तरह से ठोकर मारी और मनोवादी लोग इस बात को नहीं मानते और नहीं चाहते थे कि हम लोग उनकी मनोवादी व्यवस्था से बाहर। इसीलिए उन्होंने संत गुरु रविदास जी के द्वारा दिए गए चमार शब्द को एक जाति विशेष से बांध दिया क्योंकि हम संत गुरु रविदास जी के अनुयायी हों। तो हमें अज्ञानता के कारण यह नहीं मालूम था कि शब्द दिया संत गुरु रविदास जी ने जिसे हम जाति मान के बोल दे रहे हैं। तभी गांव में आया तभी भाई साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा यहां बैठी मैं बैठने वाला था, तुरंत दूसरा सवाल डाल दिया हमको जमा है तुम हमारे पास नहीं बैठो। मैं बेटा सोचे पढ़ के मुझे उनसे कैसे समझाओ, तो ये चमार को जाति समझते और चमार जाति है। हकीकत में हम किसी जाति के हैं क्योंकि जाति जानवर होती है इंसानों में नहीं होती। हम सब जानवर तो हैं, जानवर हैं, इंसान इंसानों में जाति नहीं होती, जानवर में जाति जाति जो चीज जा रही है वो जाने से जाति। आप किसी भी बात को मानने से पहले उसे समझने की कोशिश करो कि सामने वाला जो बात कह रहा है तो क्या वो सही हो सकती है, उसका आकलन स्वतः ही लगाओ। क्योंकि जब आप देखते हो भैंस जो गोबर करती है वो अलग तरह का होता है, गाय जो गोबर करती है वो अलग तरह का होता है, कुत्ता जो बैठी करता है वो अलग तरह का होता है, बिल्ली जो करती है वो अलग तरह की होती है। मतलब हर पशु की हर जानवर की जो लैटिंग होती है वो अलग तरह की होती है। तो जाति होती है जानवरों में इंसानों में नहीं। कोई भी इंसान यदि सुबह खेत में जाए तो आप देख के नहीं बता पाओगे कौन चला गया करके बता पाओगे, लेकिन कोई भी जानवर अगर करते तो आप बता दो फलाने जानवर क्या करके गया, कुत्ता करके गया, बिल्ली करके गया, ये ढोर करके गया, भैंस करके गया, बैल करके गया, देख के बता दो पहचान। तो जाति किसमें होती है? जानवरों में, इंसानों में नहीं। ये बात क्लियर? तो हम जो इस समुदाय से आते हैं और समुदाय में कभी जाति थी नहीं। हमारे जितने भी समाज सुधारक हुए, हमारे जितने भी समाज में महापुरुष हुए, उन्होंने हमें इतना समझाया लेकिन हम उनकी बात समझे नहीं, मानते नहीं क्योंकि हम वो विद्वान लोग